नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के अरला थाने की पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की आधा दर्जन बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया। अरला थाना क्षेत्र में पिछले काफी दिनों से वाहन चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाध्यक्ष ने दो टीमों का गठन कर वाहन चोरों की तलाशी में जुट गई थी। सोमवार को थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के गौरी पुलिया पर लगे बैरियर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान पुलिस ने दो आरोपियों अनुज गुप्ता निवासी मदियापार थाना अतरौलिया और जितेंद्र अग्रहरी निवासी माधवपुर थाना जहानागंज जनपद अम्बेडकर नगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने 5 बाइक और एक स्कूटी व 410 रुपया नकदी बरामद किया। एसपी ग्रामीण सिद्धांत ने बताया कि दोनों विभिन्न स्थानों से वाहनों की चोरी कर एक स्थान पर छिपा देते थे और दूसरे क्षेत्र में ले जाकर वाहनों को बेचते थे। इनके कुछ फरार साथियों की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना प्रभारी अदौला और उनकी टीम को दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनके नाम अनु गुप्ता थाना अतरौलिया के मदियापार गांव का रहने वाला है और जितेंद्र ग्रहरी ग्राम माधवपुर अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। इनके कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस, 5 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 चोरी की स्कूटी भी बरामद हुई है। एक मोटरसाइकिल अरोला के ही मुकदमे से लिंक हुई है, बाकी शेष बरामद मोटरसाइकिलों को लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है। इनसे पूछताछ से एक अन्य व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। प्रकरण में समस्त विधिक कार्रवाई पूर्ण कर उन्हें न्यायालय के लिए रवाना किया जा रहा है। मुकदमे में शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तथा गैंग पंजीकरण की कार्रवाई कराई जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।